दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ पंप क्या होता है इसे इजीली समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे दोस्तों, आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल शॉपकीपर आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता है। जैसे वो आपसे ये पूछता है कि आप कितने पैसे तक की मोबाइल लेना चाह रहे हो, आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन साइज़ क्या है, तो उसके हिसाब से आप बता देते हो तो वो आपको इजीली मोबाइल दे देता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ पंप का मतलब ये होता है कि जब आप अपने प्रोसेस के लिए पंप को ख़रीदना चाहते हो तो आपसे वेंडर कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ कंडीशंस रखता है और फिर वो आपको पंप सेलेक्ट करके दे देता है। तो वो कौन से कंडीशंस हैं या वो कौन से क्वेश्चन हैं जो वेंडर्स हमसे पूछते हैं सिलेक्शन ऑफ पंप के दौरान, वो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वेंडर्स का, वो आपसे ये पहले पूछता है कि टोटल कॉस्ट क्या है पंप। टोटल कॉस्ट में दोस्तों सारी कॉस्ट आ जाएगी, चाहे पंप की इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाए या पंप की जो है परचेजिंग कॉस्ट या पंप की जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट या पंप की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग कॉस्ट, ये चारों कॉस्ट टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो वो पूछेगा कि आपको कितने कॉस्ट तक का पंप चाहिए। दूसरा वेंडर्स का क्वेश्चन होता है नेचर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब कि आप जिस लिक्विड का ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो उस लिक्विड का नेचर क्या है, क्या वो क्लियर है जैसे पानी, क्या वो लिक्विड का नेचर विस्कस है जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्या वो लिक्विड का नेचर टॉक्सिक है जैसे लिक्विड अमोनिया या कोई और केमिकल, क्या लिक्विड का जो नेचर है वो एसिडिक है जैसे HCl सल्फ्यूरिक एसिड, क्या वो लिक्विड का नेचर बेसिक है जैसे कास्टिक सॉल्यूशन उसका नेचर बेसिक होता है, या क्या लिक्विड का नेचर हॉट है, क्या लिक्विड हॉट है या क्या लिक्विड कोल्ड है जैसे ब्राइन सॉल्यूशन, हॉट में जैसे कोई कुछ भी ले लो स्टीम कंडेंसेट वगैरह कुछ भी ले लो, या क्या लिक्विड का नेचर जो है फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल मतलब जल्दी आग पकड़ लेने वाला जो भी है, क्या वो उस टाइप का लिक्विड है, या क्या लिक्विड का नेचर सस्पेंडेड सॉलिड है। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब दोस्तों जो लिक्विड में मैक्सिमम हमारा जो सॉलिड पार्टिकल हैं, अगर लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल हैं तो उसे सस्पेंडेड सॉलिड कहेंगे जैसे मड्स कीचड़ वगैरह। तो ये दूसरा जो कंडीशन है वो वेंडर हमसे पूछेगा। तीसरा जो कंडीशन वेंडर हमसे पूछता है वो पूछता है दोस्तों कैपेसिटी, कि आपको किस कैपेसिटी का पंप चाहिए। कैपेसिटी को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो उसकी यूनिट होती है लीटर पर सेकेंड या लीटर पर मिनट या लीटर पर हावर। तो आपको 50 लीटर पर हावर का चाहिए या 10 लीटर पर सेकेंड का चाहिए, किस कैपेसिटी का आपका आपको पंप चाहिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी, वो आपसे वो पूछेगा। फिर वो पूछेगा कि प्रेशर रिक्वायर्ड क्या है, किस टाइप का कितने तक के प्रेशर को आप 2 kg का पंप लगाना चाह रहे हो, 10 kg का लगाने चाह रहे हो या कितने प्रेशर का आप पंप लगाना चाह रहे हो, वो आपसे पूछेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा कि हेड रिक्वायर्ड, आप हेड कितना रखना चाह रहे हो, पंप का हेड कितना रखना चाह रहे हो। पंप का हेड दोस्तों सिंपल अगर हम समझें तो पंप के सरफेस से जितनी हाइट तक हम लिक्विड का को मूव कराते हैं, लिक्विड का ट्रांसफ़र कराते हैं, वो पंप का हेड कहलाता है। 40 मीटर हेड का मतलब दोस्तों कि आप पंप के सरफेस से 40 मीटर ऊपर तक लिक्विड का ट्रांसफ़र करा रहे हो। वेंडर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा सक्शन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यानी कि सक्शन कहाँ से आप देना चाह रहे हो, पॉजिटिव सक्शन दे रहे हो या नेगेटिव। पॉजिटिव सक्शन दोस्तों जैसे हमारा टैंक जो होता है 10 मीटर जमीन से सरफेस से 10 मीटर हाइट पे अगर हमारा टैंक है और वहाँ से अगर पंप सक्शन ले रहा है तो उसे पॉजिटिव सक्शन कहेंगे। और नेगेटिव सक्शन का मतलब कि ज़मीन पे हमारा पंप है और वो अंडरग्राउंड से सक्शन ले रहा है, जैसे समरसेबल पंप जो जितने भी होते हैं वो ज़मीन से पंप पानी को सक करते हैं, तो समरसेबल जो सक्शन लेता है उसे नेगेटिव सक्शन कहते हैं। और अन्य कोई टैंक ऊपर रखा है वहाँ से अगर कोई आपका पंप सक्शन ले रहा है तो वो पॉजिटिव सक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो वेंडर का क्वेश्चन होता है वो ये पूछ सकता है दोस्तों,
पावर रिक्वायर्ड, किस टाइप की पावर आपके पास अवेलेबल है, क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल है, क्या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अवेलेबल है, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट एयर यानी कि एयर न्यूमेटिक पावर अवेलेबल है, या क्या आप टरबाइन से पंप को चलाना चाह रहे हो। दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारे पंप ऐसे होते हैं जो एयर से भी चलते हैं, जिनकी पावर सोर्स एयर है, कुछ पंप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, और कुछ पंप ऐसे होते हैं जो टरबाइन से चलते हैं। टरबाइन के शाफ्ट से शाफ्ट और पंप की शाफ्ट दोनों कनेक्ट हो जाती है, तो उस तरह हमारा टरबाइन से भी पंप चलते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि पावर की आप कौन किस टाइप की पावर यूज करना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये रहता है कि स्पेस क्या है, कितना रखना चाह रहे हो, ज़्यादा स्पेस रखना चाह रहे हो, कम स्पेस रखना चाह रहे हो, या स्पेस की लिमिट है, कम है या ज़्यादा है, ये पूछेगा। नेक्स्ट है वेट। वेट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पंप जमीन पे रख रहे हो तो कोई वेट का उतना कंसीडरेशन नहीं है, बट अगर आप पंप को हाइट पे रख रहे हो या छत पे रख रहे हो तो वहाँ पे वेट का बहुत बड़ा कंसीडरेशन माना जाएगा। जैसे अगर आप हाइट पे रखोगे, छत पे रखोगे, तो उसकी पंप जब चलता है तो उसकी वाइब्रेशन से ग्रेट इन डैमेज होने का चांस है। जितना ज़्यादा वेट होगा पंप का, उतनी ज़्यादा वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, तो इस तरह से आपका जो ग्रेटिंग है डैमेज होने का चांस है। इसलिए वेट भी बहुत बहुत अच्छे मायने में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वेंडर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि पोजीशन, पंप की पोजीशन कैसी रखोगे, वर्टिकल लगाना चाह रहे हो, हॉरिजेंटल लगाना चाह रहे हो, पंप की पोजीशन क्या रखना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि फ्लो की कंडीशन क्या है, आप जो फ्लो देना चाह रहे हो पंप को, क्या वो एक्यूरेट देना चाह रहे हो या फ्लो में फ्लक्चुएशन आए तो भी चल जाएगा। एक्यूरेट फ्लो का मतलब दोस्तों, जैसे आपने 10 लीटर पर सेकेंड का पंप लिया है, कि आपने ऐसा पंप लिया है जो 10 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज देता है, तो या उसकी क्वांटिटी 50 लीटर पर सेकेंड या 50 लीटर पर मिनट है, तो वो हर कंडीशन में 50 लीटर पर मिनट ही देगा। अगर 50 लीटर पर मिनट का है तो 50 लीटर पर मिनट हर कंडीशन में देगा, न उससे ज़्यादा देगा न उससे कम देगा, तो उसे एक्यूरेट फ्लो कहेंगे या यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। तो आप फ्लो की कंडीशन क्या रखते हो, ये भी आपसे वो वेंडर पूछेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पैरामीटर थे जो आप पंप को सेलेक्ट करते हो तो उसे ध्यान में, उस समय ध्यान में रखते हो। तो दोस्तों और इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी alokranjan7441 पे पेज शेयर किया है हैंड रिटेन में, आप उसे वहाँ भी अच्छे से क्लियर समझ सकते हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है, हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और कैसा रहा हमारा आज का प्रयास, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। And thanks for watching. Jai Hind.